प्रोग्राम बल्कि हजारों लाखों प्रोग्राम पूरे मुल्क के अंदर
मुख्तलिफ अनाबीन से, मुख्तलिफ तंजीमों के प्लेटफॉर्म से, और दिल में दर्द रखने वाले मिल्लत का उन अफराद के एतबार से इस मुस्लिम कौम की जिस तरीके से रहबरी और रहनुमाई की जाती है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मज़हब के अंदर इतना एहतमाम किया जाता होगा। आप देखेंगे कि बहुत से मज़ाहिब तो वो हैं जिनको अपनी असल क्या चीज़ है वो भी नहीं मालूम, इसलिए चंद रसूमात अदा कर लेते हैं। लेकिन तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा दिया है, उसकी वजह से हर मुसलमान को नमाज में कितने फ़र्ज हैं, नमाज कितनी तरीके से अदा की जाती है और नमाज के अंदर क्या क्या चीज़ें छूट जाने से हमारी नमाज नहीं होती है, वो सब के सब हर मुसलमान उससे वाकिफ होता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें जीने का, मरने का और ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा हमें बता दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत ये कहलवाया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। इसलिए अगर मुस्लिम मुआशरा इस तरीके पर चले जा रहा है जो मग़रिब चाहता है, तो एक उससे दर्द दिल रखने वाले, मिल्लत का दर्द रखने वाले हर फर्द को मुतफक्किर कर देता है। लेकिन आज बुराई को बुराई समझना तो दूर की बात है, अगर कोई बुराई पर तंबीह करने लगता है तो आज लोग उसको भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो अनवान दिया गया है वो अनवान बड़ी सोच समझ कर दिया गया है, और इस वजह से दिया गया है ताकि हम आने वाले साल का आगाज़ में इस्तकबाल करने और खुराफात करने, अपने पैसों को ज़ाय करने, रात भर जाग कर न्यू ईयर पार्टी मनाने या क्लबों में शिरकत करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत हमें दी थी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजरी है या नहीं गुजरी है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि ज़िंदगी की हकीकत मुझे बर्फ़ बेचने वाले से समझ में आई। बर्फ़ बेचने वाला वो सदा लगा रहा था कि जल्द से जल्द उसकी बर्फ़ खरीद लिया जाए, वरना उसका पूरा सरमाया ज़ाय हो जाएगा, पूरा सरमाया ज़ाय हो जाएगा अगर कुछ देर और अगर वहाँ पर ना ख़रीदा जाए तो। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलती जाएगी और पूरा जो उसने ख़रीद कर लाया था वो पूरा ज़ाय हो जाएगा। तो एक बर्फ़ बेचने वाले से ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, ये हमारे अकाबिर ने समझाया है। इसलिए फरमाया, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, जैसे बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता फना की तरफ बढ़ रही है, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मौत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक इंसान है कि जब उसकी सालगिरह होती है या नया साल का आगाज़ होता है, वो गफलत का शिकार हो जाता है, मौज मस्ती करने लगता है, उसे पता ही नहीं है कि मौत के कितने करीब चले गया है। कल क़यामत का दिन होगा जब अहले जहन्नम को जहन्नम में डाला जाएगा, तो वो दरख्वास्त करेंगे कि काश हमें फिर दोबारा दुनिया में भेजा जाता ताकि हम नेक आमाल कर सकें। तो उसको कहा जाएगा कि क्या हम तुम्हें इतनी उम्र नहीं दिए थे जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था, क्या तुम्हें इतनी उम्र नहीं मिली, सवाल होगा। तो मेरे भाइयों, ये जो उम्र मिली हुई है ये उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो और मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। तो हमें
इस साल जो हमने नेक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, या हमसे इस साल गफलत की वजह से जो बुरे काम सरजद हुए हैं, या इसी तरीके से हमने दुनियावी एतबार से कितना कमाया है और दुनियावी एतबार से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे अजीज़ और अकारीब में इस साल कितने लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं, हमारे रिश्तेदारों में कितने लोगों की आमद हुई है, और इसी तरीके से अगर हमने इल्म हासिल किया है तो इस साल हमारे इल्म में कितना इजाफा हुआ है, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने का साल होता है, ना कि हम खुशी मनाकर और हम इस्तकबाल करके और फिर वो तमाम खुराफात को जो मगरिब से हमारी तहजीब के अंदर आती चली जा रही है उन तमाम चीज़ों को अपना कर हम अगर गफलत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया, वला तुतिअ मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, आप उस शख्स का कहा मत मानिए जिसके दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हमने अपनी याद से उसके दिल को गाफिल कर दिया, वला तुतिअ मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु, और जो अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहता है। आप हमें बतलाइए कि जो स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं जो न्यू ईयर की पार्टी मनाते हैं और नए साल के इस्तकबाल करने के लिए केक वगैरह काटते हैं सब जमा होकर, क्या वह तबाह हवा की आमली तफसीर नहीं है? क्या वो अपने ख्वाहिशात की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं बल्कि उनको उनकी ख्वाहिशात ने उसके पीछे लगा दिया है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें फरमाया था ज़िंदगी इसलिए दी गई है ताकि ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स को चाहिए कि वो देखे कि कल के लिए उसने आगे क्या भेजा है। कल से मुराद समझते हैं ना, यानी कल क़यामत के दिन इंसान के फ़ायदे के लिए इंसान जन्नत में जाने वाले अमाल क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आप अभी से भेज दिया है उसका जायज़ा लेना है। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, फिर आगे फरमाया गया वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। तो मेरे भाइयों, ये जो नया साल आता है ये गफलत का साल नहीं है। अब हम तेलंगाना के अतबार से देखेंगे तो 2023 में जिसकी हुकूमत थी, 23 के ख़त्म होते होते उसकी हुकूमत यहाँ से चली गई है। ये हमें सबक दे रहा है कि दुनिया यहाँ पर कोई इस वक्त इख्तदार पर हो सकता है, कल इख्तदार पर नहीं होगा। आज अगर हम मालदार हैं तो कल गरीब हो सकते हैं, आज हम गरीब हैं तो कल मालदार हो सकते हैं। वतिल कल अय्यामुदा बिलुहा बैनन्नास, ये जो अय्याम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं, लोगों के दरमियान दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला अजीब रहा है। असबाब के दायरे में जो शख्स जैसी मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो फल अता फरमाते हैं। सुन्नतुल्लाह यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ा यही रहा है कि इंसान अगर बीज बो रहा है तो जो बीज बोएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही दरख्त उसके लिए निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने गेहूँ का बीज बोया है और वहाँ से आम की उम्मीद रख रहे हैं, ये दुनियादार असबाब है, इसके अंदर सबब के तौर पर ये चीज़ें अख्तियार करनी पड़ती हैं, तो जो सबब हमने अख्तियार किया है वही उसका नतीजा हमें मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने इस साल के अंदर पूरी बुराइयां अपनाई हैं और फिर अगले साल हमें उसका फल अच्छाई के तौर पर मिले, ऐसा नहीं होगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो हमने बोया है वही कल हमारे लिए फल मिलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हर शख्स को चाहिए कि वो देख ले कि कल के लिए उसने क्या ज़खीरा कर रखा है। और हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर जुमला है, हासबु क़ब्ल अन तुहासबु, कि तुम अपने आप का मुहासबा करो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। फिर उन्होंने एक मिसाल से समझाया कि अगर कोई शख्स किसी दुकान में मुलाजमत अख्तियार कर रहा है
और मुलाजमत अख्तियार करते हुए वो रोज़ाना जितनी आमद होती है और जितना वो बिक्री करता है वो सबका हिसाब कर लेता है। जब उसका आका आता है तो वो उसको वो रजिस्टर हवाले कर देता है और वो कहता है कि इतने सामान की आज इस दुकान के अंदर आमद हुई है और इतने सामान इस दुकान से बेचे गए हैं, इसका इतना नफ़ा हुआ है, इतने इतने खर्चे उसको दे दिए गए हैं। वो आपका एक मिनट में नज़र डाल देता है और उसके बाद उसके हिसाब को वो लेकर वहाँ पर सिग्नेचर करके चले जाता है। लेकिन जिस मुलाजिम ने सुबह से शाम तक होने वाली आमदनी और इसी तरीके से वो दुकान में जितना माल आया है और जितना उसने बेचा है उसकी एंट्री नहीं किया है, अब मालिक आने के बाद वो हिसाब लगाने पड़ता है तो आप देखेंगे दिमाग पर जोर डालते जाता है और बाद मर्तबा हिसाब नहीं मिलता तो उसके नतीजे में वो हैरान और शुजर रहता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है और कभी उसके जिस्म से पसीने छूटने लगते हैं। तो मेरे भाइयों यही हाल है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना जायज़ा नहीं लिया और फिर कल नामे आमाल हमारे हाथ में रखे जाएंगे तो उस वक्त इंसान का क्या होगा। वसी अल किताब, किताब रख दी जाएगी, फतर मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, तो जो मुजरिम होंगे उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ होगा उससे सहमे हुए होंगे। और फिर वह यकूलुना या वैलतना, और वो लोग कहेंगे कि इस किताब को क्या हो गया, हाय हमारी कमबख्ती, मा लिहाज़ल किताब, इस किताब को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सब का उसने इहाता कर लिया है। तो मेरे भाइयों मुहासिबे का तरीका यह है कि अगर हम रोज़ाना अपने आमाल का जायज़ा लेंगे तो दो तरह के आमाल हमें नज़र आएंगे, एक वो आमाल हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के मर्ज़ी के मुताबिक हमने किया होगा, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना है। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाले आमाल हमसे हो गए हैं फौरन वहाँ पर तौबा और इस्तग़फ़ार करना है, आइंदा न करने का अज़्म और इरादा करना है। चंद दिन अगर हमने इस तरीके से कर लिया तो हमारी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी, हम सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे और यही हकीकी तौर पर कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी को भी पैदा किया मौत को भी पैदा किया। पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया खलक़ल मौत वल हयात, ताकि इंसान को ख़बरदार किया जाए कि हर इंसान जो इस रूए ज़मीन पर आता है उसको मौत का मज़ा चखना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत को भी पैदा किया और हयात यानी ज़िंदगी को भी पैदा किया, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जांचे परखे कि दुनिया में कौन नेक अमाल करता था, ताकि उसी के मुताबिक आखिरत में उसको जजा दे सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है। और फिर उलमा इकराम ने लिखा है कि यह ज़िंदगी हमें एक ही मरतबा मिलनी है, ऐसा नहीं होगा कि फिर ज़िंदगी सुधारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा हमें जन्म दे, बल्कि एक मरतबा ज़िंदगी मिल गई है, इसी ज़िंदगी को गनीमत समझना है और फिर वो अमाल करना है जिसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी हमारी अच्छाई के साथ गुजर सके, वहाँ पर हम नाज़ो नियामत के अंदर रहें। इन्नल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, जो लोग मुत्तकी होते हैं उनके परवरदिगार के नज़दीक जन्नातिन नईम नियमतों वाले बागात होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पर कैसे कैसे वो बागात होंगे उसकी मंजर कशी की। तो मेरे भाइयों एक मुसलमान होने के नाते, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते, हमें नए साल की आमद के वास्ते इस तरीके से बेचैन और बेकरार नहीं होना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपनी तरफ से पोस्ट बनाता है, पूरे ग्रुपों के अंदर उसको शेयर करता है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसको हम एक दूसरे को शेयर करते हैं और बड़े मौज और मस्ती के साथ हम नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए 25 दिसंबर और नए साल की आमद पर जितना खर्च किया जाता है, अगर वो खर्च पूरे मुल्क के बल्कि पूरे वर्ल्ड के अगर गुरबा पर तकसीम किया जाए तो सबकी गुरबत दूर हो सकती है। सिर्फ अय्याशी के नाम पर, सिर्फ जिंसी
जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील के लिए और चंद पैसों के लिए हम अपने आप को इस तरीके से लगा देते हैं, और वहाँ पर जाकर सिर्फ पैसा ही बर्बाद नहीं होता बल्कि इंसान पूरा का पूरा अखलाक एतबार से गिर जाता है, हैवानात से बदतर वो अमल करने लगते हैं। न्यू ईयर पार्टी के अंदर ये चाहे मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, ऐसे ऐसे खुराफात जन्म लिए हैं जिसकी वजह से आज इंसानियत शर्मसार हो रही है। एक इंसान शर्म से पूरा डूब जाए, ऐसी ऐसी दिलसोज हरकतें हो रही है। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय ज़रूरत यह है कि हम अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें। अगर हम तारीख के तालिबे इल्म हैं तो हमें पूरे अकवाम का जायज़ा लेना चाहिए, पूरे अकवाम का जायज़ा लेना चाहिए कि इस वक्त पूरे आलम के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, किस इलाके के अंदर, किस मुल्क के अंदर जो इख्तदार वाली पार्टियाँ थीं उन लोगों के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उन लोगों ने वहाँ के आवाम के लिए क्या क्या सहूलतें रखी हैं, या अगर किसी मुल्क के अंदर इख्तदार से एक इख्तदार दूसरे पार्टी की तरफ मुंतकिल हो गया तो उसका असबाब का जायज़ा लेना चाहिए। यह सब एक तारीखी तारीख का तालिब इल्म होने के नाते ये सब ज़रूरी होता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर, हमारी रियासत के अंदर, हमारे शहर के अंदर गुज़िश्ता एक साल में क्या तब्दीली आई है, अगर हमने उनके असबाब पर गौर करना शुरू किया तो मेरे भाइयों, मुसलमानों की जो उस वक्त ज़बू हाली है उस वक्त, इसमें हम बहुत हद तक उन असबाब का जायज़ा लेकर आइंदा उन गलतियों से बचा सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हमने मुल्क के हालात का जायज़ा लिया तो आपको सैकड़ों ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा किया गया पूरे मुल्क के अंदर, बिलखसूस उन रियासतों के अंदर जहाँ फ़िरका परस्त पार्टी की हुकूमत है और फ़िरका परस्तों का गलबा है इख्तदार पर, वहाँ पर बिलखसूस मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया गया है, क्या सलूक किया गया है, और फिर उसके बाद जायज़ा लेंगे कि ये लोग इख्तदार पर कैसे आए, इख्तदार पर आने के लिए इन लोगों ने क्या ज़मीनी मेहनत की है, उन सब पर हमें नज़र रखना चाहिए। फिर इसके बाद आइंदा साल के लिए हम इन पार्टियों को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम सफ़ों में कैसे इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं, मुस्लिम वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे नतायज हमें मिल सकते हैं। हम इसको एक सवालिया निशान अपने जहन में बनाकर उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अगर मिल्लत के जो दानिशवर तबका है और जो संजीदा तबका है, अगर वो इन उमूर पर गौर करेगा तो मेरे भाइयों, बहुत अच्छे मुस्बत नतायज आइंदा सालों के अंदर इस मुल्क के लिए आ सकते हैं। इसके बरखिलाफ़ हमारा हाल क्या है, जितने टीवी चैनलों पर मज़ाहिया प्रोग्राम होते हैं या आजकल सोशल मीडिया पर जो हमारे नौजवान मज़ाहिया क्लिप बनाकर उसको अपलोड करते हैं, आप देखेंगे कि हमारा मुस्लिम नौजवान उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक दीनी मैसेज अगर आएगा उसको वो दूसरे ग्रुप में भेजना, उस दर्जा उसके दिल में वो दाहिया पैदा नहीं होगा जैसे एक लतीफ़ा या एक वीडियो जो मज़ाहिया अनवान पर मुश्तमिल होगा, वो अगर उसको वहाँ पर मिलेगा वो फौरन 2-3 सेकंड के अंदर कई ग्रुप के अंदर उसको भेज देता है। ये हकीकत है, आप जायज़ा लीजिए, आपको भी मालूम होगा। तो हमने क्या कर लिया है, अपनी ज़िंदगी को लायानी कामों के अंदर लगा दिया है, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, कि इस्लाम की सबसे बेहतरीन खूबी यही है कि एक मुसलमान है, एक आदमी है, उसके इस्लाम की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन खूबसूरती यही है कि वो लायानी बातों को तर्क कर दे, लायानी कामों के करीब न भटके। आज लायानी कामों के अंदर मुस्लिम समाज को जगड़ दिया गया है। आज पुराने शहर में हो या नए शहर में हो,
जहाँ मुस्लिम महल्लात है वहाँ पर रात में आप देखेंगे कि नौजवान चबूतरों पर बैठे हुए हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, नौजवान होटलों में हैं और नौजवान ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर जाना सिर्फ वक्त का ज़िया है। आज हम वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, हालांकि अरबी का मशहूर मकौला है अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब, वक्त जो है सोने से ज़्यादा कीमती है, गोल्ड से ज़्यादा कीमती वक्त है। और आज हमारा नौजवान वक्त को ज़ाय कर रहा है, ना उसमें दुनिया भी कोई फ़ायदा है, ना उखरवी कोई फ़ायदा है, ना दीन मिला ना दुनिया मिला, बिल्कुल बेकार और ज़ाय हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये कौम कैसे तरक्की कर सकती है? ये कौम बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकती है। हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है एक वाक़या कि किसी बैरून मुल्क में, गालिबन अल्लामा इक़बाल ही हैं, किसी बैरून मुल्क में वो एक चमन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा किताब में मुनहमिक था, पढ़ रहा था। तो उनको अजीब लगा, उस बच्चे से सवाल किया तो उसने कहा कि ये जो खेल रहे हैं इनकी तादाद, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, मैं यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लोग मुट्ठी भर हैं, अगर मैं भी खेलने में लग जाऊँगा तो फिर हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो कौम है, वो तरक्की नहीं कर सकती। यानी कमसिन बच्चे के अंदर अपने कौम की फ़िक्र लगी हुई है। और हम आज हमारा मुस्लिम नौजवान है जिसको अपने कौम की कोई फ़िक्र नहीं। आप अगर अभी जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में अगर आप वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे, फ़ीसद देखेंगे, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन मुस्लिम इलाकों के अंदर पोलिंग हुई है वहाँ पर फ़ीसद का तनासब इंतहाई कम रहा है। जहाँ पर तकरीबन 100% आबादी मुसलमानों की है वहाँ पर भी सिर्फ 30-35 और बहुत से बहुत 40-42% वोटिंग हुई है। इतनी गफलत का शिकार हम मुसलमान हैं कि उसके ऊपर सिर्फ सिवाय इन जलसों में और इन मजलिसों के अंदर कुढ़ने के हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बरखिलाफ देहातों के अंदर और ख़ास तौर पर उन इलाकों के अंदर जहां पर हम ये समझते हैं कि वो दीन से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, लेकिन उन इलाकों के अंदर वोट की अहमियत को समझा जा रहा है और वो लोग निकल कर वोट दे रहे हैं। अभी पूरी 4 या 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, आप सबका जायज़ा ले लीजिए। सबसे कम तादाद परसेंटेज के अतबार से हमारे इस रियासत को रहा है। मेरे भाइयों, ये गफलत अच्छी चीज़ नहीं है। नए साल की आमद से पहले हम अपने गफलत को दूर करें और एक मिल्लत का दर्द रखकर ज़िंदगी गुजारें। और बहुत से नौजवान वो होते हैं जिनको शादी ब्याह करके दे दिया जाता है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी को भी नहीं समझते, बल्कि वही चबूतरा जो शादी से पहले वो लोग आबाद किए हुए होते हैं, ना बीवी के हकूक़ अदा करते, ना बच्चों के हकूक़ अदा करते, ना कमाने के लिए जाते हैं, बल्कि उल्टा बोझ बन जाते हैं। जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों की शादियाँ करके वो ये समझे थे कि हमारे ज़िम्मेदारी से एक बोझ हल्का हुआ है, लेकिन होता यह है कि दामाद भी घर में आ जाता है तो दोबारा और बोझ बढ़ जाता है, वो कर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये बहैसियत मजमूई हमारे माशरे की सूरत हाल है, इससे हमें बदलना चाहिए, इससे हमें कंट्रोल करना चाहिए। अच्छाइयाँ हर माशरे के अंदर होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन एक समझदार आदमी वो है जो बुराइयों पर नज़र रखकर उसकी इस्लाह की फ़िक्र करे। जैसे जिस्म का पूरा हिस्सा सही सालिम है, कहीं पर थोड़ा और फुंसी निकल आती है, लेकिन इंसान उसको नज़रअंदाज कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता वही फोड़ा और फुंसी पूरे जिस्म को हलाकर रख देती है और बाद मर्तबा पूरे जिस्म के लिए वो जहर साबित होती है, जिसके नतीजे में इंसान के पैर काट देना पड़ता है और बाद मर्तबा तो वो उसी कैंसर की वजह से इंसान मर जाता है। तो एक समझदार और अक्लमंद आदमी वही है जो उस फोड़े और फुंसी को अव्वलीन मरहले में उसका इलाज और मुआलजा करके उसको वहीं रफा दफा कर दे और वहीं ठीक ठाक कर दे, उसको आगे बढ़ने न दिया जाए। इसी तरीके से मुस्लिम समाज का हाल है, अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं
तो मेरे भाइयों, अभी वक्त नहीं बदला है, हम उनको सुधार सकते हैं। अभी इस्लाह की फिक्र कर लें, अभी हमारे अंदर मिल्लत का दर्द पैदा कर लें, अभी हम अपने अपने सोसाइटी का, अपने माशरे का जायज़ा लेकर उसके इस्लाह की फिक्र करें। यही नए साल की आमद से पहले हमें करना होगा, ताकि आइंदा जो साल आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल रखता है। जो वक्त गुजर गया है उसमें से हमें यही सबक लेना है कि उस गुजरे हुए साल के अंदर हमने क्या खोया है, क्या पाया है। जो खोया है उसको पाने की फिक्र करें, जो पाया है उसको बाकी रखने की फिक्र करें, और भी हम अपने अंदर अज़ायम पैदा करें, और पिछली जो गलतियां हैं उसको दोहराने की कोशिश ना करें, बल्कि उन गलतियों से सबक सीखने की कोशिश करें। अगर ये काम अगर हम कर लेंगे तो फ्यूचर हमारा, मुस्तकबिल हमारा बेहतर होगा। अगर हमने ये काम नहीं किया तो मेरे भाइयों, फिर मुस्तकबिल हमारा तारीख होता चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक परवरदिगार के सामने से नहीं हटेंगे जब तक कि उसके बारे में, उससे पांच चीज़ों के बारे में सवाल कर लिया जाएगा, जिसमें से दो उमर के बारे में हैं। एक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उम्र दी है उसको कहाँ लगाया है। दूसरा जवानी के बारे में है कि जो जवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी थी उस जवानी को कहाँ पर खपाया है, कहाँ पर उसने उस जवानी की ज़िंदगी को लगाया है। तीसरा सवाल ये होगा कि कहाँ से कमाया है, और चौथा सवाल होगा कहाँ पर खर्च किया है, पांचवा सवाल होगा कि जो इल्म हासिल किया है उस पर कितना अमल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें बतलाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो उम्र अता फरमाई है हमारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए दो सवाल हमारी ज़िंदगी के बारे में हैं, एक तो मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में और दूसरा जवानी का हिस्सा। जवानी के इसलिए खसूसियत के साथ इसका तज़किरा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को जब जवान बनाता है तो उसके अंदर जो ताकत और कुव्वत रखता है, ये ताकत न बाद में मिलने वाली होती है न पहले मिली हुई होती है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुर्फ़िन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें कमज़ोर पैदा किया है। सुम्मा जअला मिन बाद ज़ुर्फ़िन क़ुव्वा, फिर इस कमज़ोरी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ताकत अता फरमाया है। सुम्मा जअला मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ुर्फ़ुन व शैबा, फिर इस क़ुव्वत के बाद फिर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो चीज़ें फरमाई, बुढ़ापा भी देगा और ज़ईब भी बनाएगा, यानी दो चीज़ें इंसान को आ जाएंगी जिसमें इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो क़ुव्वत का ज़माना है इस बारे में इंसान हमेशा इफ़रात और तफरीत का शिकार हो जाता है, या तो अपने आप को वो इस दर्जा मग़रूर बना लेता है कि वो अपने ताकत के नशे में ज़ईफ लोगों पर ज़ुल्म और ज़्यादती करने लगता है, और बाज़ जवानी मिलने के बावजूद उसके अंदर एहसास कमतरी होती है, वो हमेशा मातहत वाली ज़िंदगी गुजारता है। कुछ उसके अंदर वो चीज़ें, सलाहियतें पैदा ही नहीं होती हैं कि वो समाज को या अपने आप को किसी पोजिशन पर ला सके। तो मेरे भाइयों, जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि जवानी की जो उम्र है वो किन कामों में लगाया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सात ऐसे अफराद को अपने अर्श के साए के नीचे जगह देंगे, उसमें से एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वो नौजवान होगा जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ होगा, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतज़ार में वो शख्स बैठा हुआ रहेगा कि कब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा आएगा और मैं मस्जिद जाऊंगा, इसलिए कि उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। जैसे आज हमारा दिल जैसे फ़ोन के अंदर लगा हुआ होता है, फ़ोन के मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर लगा हुआ रहता है, कौन किसका मैसेज आ रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं हमारा दिल मोबाइल पर है, हम घर में हैं बीवी बच्चों के साथ है हमारा पूरा ध्यान मोबाइल के साथ है, मोबाइल की घंटी बजती है फौरन हम मचल जाते हैं, और अगर कोई मैसेज आता है हम फौरन इधर से उधर होने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये जो कैफियत है, ये कैफियत अगर जवानी में मस्जिद के साथ होने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल अर्श के साए में उसको जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। तो ये मौका हमें एहतिसाब का है, जायजे का है,
जो दिन इस साल के बचे हुए हैं इन सालों के अंदर हम एक कापी लेकर एक नोटबुक लेकर बैठे और पूरा साल का अगर हम जायज़ा लें और इस साल के जायज़े में हमें जो अच्छाइयाँ मिले उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाएँ और जो कमी और कोताही नज़र आए उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। बहुत से मरतबा ऐसा भी होगा कि अगर हम जायज़ा लेने बैठे तो बहुत से वो माल हमारे पास आएगा जो नाहक तरीके से हमने कमाया होगा, किसी का मीरास का हक हमने छीन लिया होगा, किसी के नाजायज़ माल पर हमने कब्ज़ा जमा लिया होगा। ऐसी चीज़ों को उन तक लौटाना चाहिए, उन तक उनको उन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करें। और अगर हमसे अगर किसी ने ये चीज़ें ले ली हैं तो उस वक़्त अगर हम इस पोजीशन में हैं कि उनको माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर दें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी, के सिले रहमी करने वाला वो हकीकी तौर पर वो शख्स नहीं है जो बदले के तौर पर सिले रहमी करे, बल्कि सिले रहमी करने वाला हकीकी तौर पर वो है सिल मन कता का, जो तुझसे कटे तो उससे जुड़ो, जो तुम्हारे से कटे उनके साथ सिले रहमी करना यह हकीकी तौर पर सिले रहमी करना है। तो अपने रिश्तेदारों में जिनसे भी हमारी बातचीत नहीं हुई है या किसी वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, यह वक्त है कि हम न जाने किस वक्त हमारी आंख बंद होगी, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पहुंचेंगे। ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि इस वक्त हम अपने रिश्तेदारों से मुँह मोड़ कर रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक करके रखें, बल्कि उनको मनाएँ, इसलिए कि कभी भी मौत का फरिश्ता आ सकता है और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। उससे पहले पहले हमें अपने पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है और ख़ास तौर पर 2023 के अंदर हमने क्या किया है और क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का जायज़ा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस साल में होने वाली जो कोताहियाँ हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कोताहियों को दरगुजर फरमाए और जो काम अच्छे हमने किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और आइंदा साल भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर मुस्तकबिल नसीब फरमाए, मुल्क के लिए भी बेहतर मुस्तकबिल नसीब फरमाए और हमारे शहर के लिए हमारे रियासत के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन से बेहतरीन हुक्मरान हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।